क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे किया जाए। बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुका है और मेरा कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, ना मैथ हुआ है, ना इंग्लिश हुआ है, ना हिंदी हुआ है, ना साइंस लर्न हुआ है। क्या किया जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूरा साल निकाल दिया मैं, इधर घूमा उधर घूमा, दोस्ती यारी अभी सब बहुत सारे दोस्त को याद हो चुका, मेरे को याद नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब बुक खोल रहा हूँ पढ़ने के लिए तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, इसमें क्या लिखा गया कुछ भी नहीं आ रहा है। साइंस का उठा रहा हूँ, प्रैक्टिस पेपर ले लिया, सब कुछ ले लिया, बाकी कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। 21 सब कुछ लेकर रख लिया, कुछ भी नहीं आ रहा क्या करूं। पूरा साल निकाल दिया, अभी यहाँ पर 16 दिन 15 दिन बाकी है, कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ। बहुत सब समझा रहे, सर समझाए कि पढ़ लो, बाकी मैं सुना ही नहीं, कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं किया। अब समझ में आ रहा है कि मेरे को करना चाहिए था। वही मेरे दोस्त जो मेरे थे वो सबका अच्छा हो गया, वो सब लाइन सुधर गया था, बाकी मैं मोबाइल चलाया, गेम खेला। पूरा साल निकाल दिया, पापा को क्या बोलूँगा, कुछ अगर हो गया बोर्ड एग्जाम में, अगर मेरा कुछ नंबर कम आया, जो आस लगा के पापा रखे मम्मी रखे उनको क्या मैं बोलूँगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अभी 16 दिन बाकी है, अभी ये महीना अभी से स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ कर पाता हूँ नहीं कर पाता। सबसे पहले एक टाइम बनाता हूँ किस तरीके से करूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइम 29 का महीना है, आज हो गया यहाँ पर 15 तारीख, अगर मैं घटा देता हूँ यहाँ पे 4 तारीख बच रहा है, 4, और यहाँ पे 14 दिन बाकी है। और 14 दिन में मैं क्या कर सकता हूँ, जो साल भर में मैं नहीं कुछ किया, 14 दिन में मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, अब मेरे को करना है, मैं 14 दिन के अंदर ही मैं बहुत कुछ कर लूँगा, अच्छा खासा कर लूँगा। मैं कुछ नहीं, मोबाइल बंद कर दूंगा, सब कुछ बंद कर दूंगा, दोस्ती यारी अब तेल लेने गई, मैं दोस्ती यारी कोई भी आएगा मना कर दूंगा, नहीं जाऊंगा, बस मुझे पढ़ना है। अब मुझे 14 दिन ही मेरे लिए बहुत, अब मैं कर लूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा 14 दिन। अब यहाँ पर मैं रिविजन सिर्फ, पहले मैं यहाँ पर रोज डेली 14 दिन लगातार अभी मैं कंटिन्यू अपना टाइम टेबल बनाता हूँ और इसी तरीके से मैं पढ़ूंगा रोज डेली का। मैं हिंदी लैंग्वेजेस का, हिंदी और इंग्लिश और मराठी का मैं करने वाला हूँ यहाँ पर रोज डेली 2 घंटा, दो घंटा रोज डेली, 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए, 3 घंटा रेगुलर मैं एक सिर्फ ग्रामर अब पढ़ूंगा, ग्रामर 3 घंटा रेगुलर करूँगा। अब 12 घंटे में स्कूल भी बंद हो चुका है, 12 घंटे में अगर 3 घंटा निकाल दिया, मेरा 9 घंटा भी बाकी है। अब मैं इसमें 2 लेसन अच्छे से रट्टा मारूंगा, 2, अब मुझे रट्टा ही मारना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। साइंस 1 का मैं और साइंस 2 का 2 लेसन रोज डेली करूंगा, रोज डेली 2 लेसन साइंस 1 का, 2 लेसन साइंस 2 का करूंगा। 1 लेसन करता हूँ, मेरे से होएगा नहीं, 1 लेसन ही करता हूँ, 1 लेसन किया तो भी मैं रोज डेली का, अगर 14 दिन लगातार किया तो यहाँ पर कितना लेसन हो जाए, 14 लेसन, तो 10 ही लेसन है ना, तो मैं 10 ही दिन में कर डालूंगा साइंस 1 साइंस 2, 10 ही लेसन 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं 2-2 घंटा ले लेता हूँ, इसको 4 घंटा मैं करता हूँ। अभी मेरे पास बचा कितना, 5 घंटा, 2-4 घंटा मैं साइंस के लिए निकाल दूंगा और 3 घंटा मैं निकाल दूंगा इसमें मैं किसके लिए, लैंग्वेजेस के लिए। मेरे पास अभी भी 5 घंटा बाकी है, 5 घंटा मैं क्या करूंगा इसमें, सिंपल तरीका, जो टाइम अब तो मुझे करना ही है कैसा भी करके, 3 घंटा खेलूंगा कूदूंगा, खाना जाए भाड़ में, खाना भी नहीं खाऊंगा पहले तो करूंगा, क्योंकि मेरे पास 14 दिन है, 14 दिन में मैं करके दिखा दूंगा कि जो साल भर नहीं किया ना अब करूंगा। यहाँ पर मेरे पास हो गया 7 घंटा, अब बचा है 5 घंटा, अब 5 घंटे में मैं करूंगा क्या। यहाँ पर मेरे पास हो जा रहा है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, इसके लिए मैं 3 घंटा दे दूंगा हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और यहाँ पर ज्योग्राफी भूगोल के लिए, इसके लिए मैं 3 घंटा दे ही दूंगा, अब 3 घंटा दे दूंगा
तो मेरे पास अभी भी बच रहा है 2 घंटा, 2 घंटा बच रहा। अब मुझे खेलना ही नहीं, मोबाइल तो छूना नहीं है, और इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम सब डिलीट कर दूंगा। सिर्फ मुझे करना है, पढ़ना है, बस अपने पढ़ना है तो पढ़ना है। तो यहाँ पर मेरे पास अभी भी 2 घंटा बाकी है, एक एक लेसन बस करूंगा, एक लेसन, तो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन नहीं लगे, 10 दिन में कंप्लीट कर लूंगा। 2 घंटा बच रहा है, 2 घंटा मैं इधर उधर बस करूंगा। उसके बाद रात में मैं 9 बजे से बैठूंगा, 9 से 12 बजे तक, 9 से 12 मैं सिर्फ मैथ करूंगा, मैथ 1 मैथ 2, दो प्रैक्टिस सेट रोज डेली करूंगा। तो मैं कर सकता हूं यहां पर 14 दिन बाकी, आज ही समय अभी से स्टार्ट कर रहा हूं, 14 दिन बाकी है, तो मैं कर सकता हूं यहां पर कितना हो जाएगा, 14 दिन 28 प्रैक्टिस सेट मैथ 1 का और 28 प्रैक्टिस सेट मैथ 2 का मैं कर लूंगा, तब तो मैं पास हो ही जाऊंगा अच्छा खासा। तो अब मैं इसी तरीके से पढ़ूंगा। क्या पहले मेरे को क्या करना रहेगा, यहाँ पे 3 घंटा हिंदी इंग्लिश मराठी के लिए सिर्फ ग्रामर पढ़ूंगा, और उसके बाद यहाँ पे साइंस 1 साइंस 2 का 4 घंटा, 2-2 घंटा में एक एक लेसन याद करूंगा। कुछ तो याद नहीं किया ना साल भर, कुछ भी समझ नहीं, बुक उठा रहा हूँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है समझ नहीं आ रहा, सिर्फ पलट पलट रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसको मैं तो अब डाइजेस्ट याद ही करूंगा। 4 घंटा इसमें हो गया, 7 घंटा मेरा हो गया, 12 घंटे में 7 घंटा, 3 घंटा मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के लिए 1-1 घंटा निकाल रहा हूँ, एक लेसन कितना हो गया, 10 घंटा हो गया। अब 2 घंटा बाकी है, 2 घंटा इधर उधर, अब थोड़ा सा माइंड को रेस्ट करूंगा, 2 घंटा थोड़ा सा मैं इधर उधर थोड़ा सा घूमूंगा, दोस्ती यारी नहीं, 2 घंटा इधर उधर करूंगा। उसके बाद 9 बजे से फिर से मैं अपने घर बैठ जाऊंगा, क्या करूंगा, मैथ करूंगा। इस तरीके से करूंगा, मेरा 14 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या दोस्तों इसी तरीके से आपके साथ भी हो रहा है, आपको भी कंप्लीट नहीं, एक भी सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट है, यही चीज आपको भी लग रहा है, क्या लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। यही चीज लग रहा है ना जो मैं आपको बताया, सेम यही आपकी भी कंडीशन है ना, यही चीज रियल बताना मेरे प्यारे दोस्त कि यही है ना, यही चीज आपको भी लग रहा है ना, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, यही है ना सही हकीकत बताना, इसे झूठ बोलना मत, आपसे बोल रहा हूं झूठ मत बोलना, हकीकत बताना, यही है ना। तो जिस तरीके से मैं बताना उसी तरीके से करना स्टार्ट करो, जो मैं अभी जस्ट बताया उसी तरीके से करोगे ना तो फोड़ डालोगे। अभी भी समय है 14 दिन, और 10 ही दिन में आप लोग का क्लियर हो रहा है, 10 दिन के अंदर क्लियर हो रहा है, समझ गए ना। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग के लिए पूरा साइंस 1 का 5 लेसन पूरा बनाया हूं, आज ही बनाया 5 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोग उसको देख लेते हो तो बहुत जल्दी 1 घंटे में 5 लेसन कंप्लीट कर दोगे, 1-2 घंटे में 5 लेसन क्लियर। तो दोस्तों बस यही बोलूंगा, जिस तरीके से मैं बताया जो कंडीशन आपकी वो चीज मैं बताया। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके से अगर आप लोग को नेक्स्ट कोई टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए कि सर कुछ भी नहीं समझा, तो 110% आपको कमेंट करना रहेगा, मैं उससे 110% वीडियो लेकर आऊंगा। तो कोई भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी चीज हो, क्या चीज किया जाए, बस आपको कमेंट करना, 110% मैं उससे टॉपिक पे वीडियो 110% लेकर आऊंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।